सुप्रभात बिहार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। तो चलिए आज की हम ताजा खबर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। अब सोलर प्लांट से जगमगा उठेंगे सरकारी स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम फैसला लिया है और कहा है कि जल्द ही सरकारी स्कूल के भवनों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। कल जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ने कहा कि वो जल्द ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। कल CBSE के 12वीं का नतीजा हुआ घोषित, जिसमें छात्राओं ने मारी बाजी। कुल पासिंग परसेंटेज रही 99.37%। बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन जिलों के नाम है नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा। इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर पटना यूनिवर्सिटी ने लिया एक अहम फैसला। इस बार पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी, ऐसी बात चल रही है। अभी ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त तक जारी है। बिहार के हर थाने की होगी अपनी प्राइवेट भवन। बिहार सरकार की तरफ से गृह विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए सरकारी जमीन को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिया है, जहां पर थाना का भवन बनाया जाएगा। अगर वहां सरकारी जमीन नहीं है तो जमीन की खरीदारी की जाएगी। बिहार के खाटवे जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। छठे चरण के शिक्षक नियोजन काउंसलिंग कर दी गई है स्थगित। भारत ने एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन और बॉक्सिंग में किया अपना मेडल पक्का। मधेपुरा के चौसे में SDM ने कई नर्सिंग हॉस्पिटल, जो कि अवैध रूप से चल रहे थे, बिना लाइसेंस के चल रहे थे, उन पर किया स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन में बच्चों के खरीदारी का अवैध मामला सामने चलकर आया, जिसके बाद वहां के कई नर्सिंग होम पर ताला लगा दिया गया है और उसके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मीठापुर बस स्टैंड आज होगा खाली। कल से बैरिया के ISBT से चलेगी सभी जिलों के लिए बसें। RTE के तहत नामांकित बच्चों को हटाने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीतामढ़ी में बालू से लदा एक ट्रक पलटा, सड़क किनारे खेल रहे 3 बच्चे की दबकर मौत हो गई। पॉर्न मूवी बनाने के आरोप में गिरफ्तार राजकुंद्रा पर लगा फिर से ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड के लिए 3000 करोड़ की ठगी का आरोप।